भाई जा स्विट्जरलैंड रहे हैं, पर हमारा भाई बन गया पूरा हॉगवर्ड्स वाला। हैरी पॉटर में दाखिला लेने जा रही हूँ ग्रिफिंडोर में। यस मम्मा, बहुत एक्साइटेड हूँ आपको दिखाने के लिए। अक्षर का पहला ट्रिप होने वाला है स्विट्जरलैंड का, यार आई एम सो एक्साइटेड। तो हम एयरपोर्ट पे बैठे हैं, हर्ष फोन पे लगा है, अक्षर अपना बिजी है और हमारा डिपार्चर टाइम भी हो गया। चले फिर तेरे को लेके स्विट्जरलैंड। बहुत मजा आ रहा है भाई, स्विट्जरलैंड की वादियाँ देखेगा आज तू। ओए होए ओए होए, ये क्या करतब करके दिखा रहा है। अशर को गाय का दूध निकालना। पिना याद है 2017 में आए थे हम, और अब 2023 है। कितने साल हो गए? 6 साल और 1 साल एडिशन। हाँ 2+1 हो गया। वह इंडिया से 3 घंटे अब पीछे हो गए, 3.5 घंटे। तो अशर को यहाँ पे स्विस गाय मिल गई है, अभी इसका दूध निकालेगा। अरे मैं इस पे राइड करूंगा। नहीं कह रहा, दूध निकाल के पीऊंगा फ्रेश। बैठ जाओ मम्मा, बैठ जाओ बैठ जाओ। छोटे बेबी इसको कुछ नहीं कहते। आज वैसे भी इतना क्यूटू पुट्टू लग रहा है, तो ऑब्वियसली कुछ नहीं कहेंगे। भाई धूप हो रही है और 7 डिग्री टेम्परेचर है, हो क्या रहा है ये। यार कैसा लग रहा है बब्बू कोशा, स्विट्जरलैंड घूमेगा ये। अशर को लाया था स्विट्जरलैंड घुमाने। अशर का हाल देखो, बब्बू कोशा बना हुआ है। भाई बहुत ठंड है यार, बहुत ठंड है, पूरा कवर्ड है, 4 मतलब ब्लैंकेट बनाए हुए हैं इसको। इसके नीचे इसने पता क्या क्या पहना हुआ है? नीचे एक वार्म पजामी, फिर एक स्वेटशर्ट, फिर ये बब्बू कोशा ऐसा सूट, ये देख सॉक्स, यहाँ हाथ में ग्लव्स, ये एक शॉल, ये एक टोपी, ये एक और टोपी। और ये हर्ष पहुंच गया है अशर के साथ उसी पॉइंट पे जहाँ सब आके एक फोटो लेना चाहते हैं। बस वो देखो वहाँ का जोर और शाहरुख दिख रहे हैं। टच करूँ, टच कर लिया। खुश हो रहा है अशर। चल यार बहुत ठंड है, भाग। ओ भाई कान सर, ऐसा लग रहा है ठंड का वो आ गया। पता है मेरे दिमाग में ना अशर था और फिर ठंड आ गई, तो समझ ले बुरा हाल हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तू क्या कहना चाहता है, पर आई कैन अंडरस्टैंड यू फीलिंग। अगर तू ठीक है? हाँ। कैसा लगा स्विट्जरलैंड? ठीक हूं पापा, बढ़िया लगा। यही है स्विट्जरलैंड बस। नीचे चलते हैं, चॉकलेट शॉप है हमारी, बस वहीं तक की, समझ रही है ना। अब अशर और हर्ष करेंगे यहाँ पे स्विस चॉकलेट की शॉपिंग। वैसे अशर ने तो कुछ करनी नहीं, मैंने ही खानी है सारी चीज का, पापा को खानी होती है बस। और अशर के पापा ने थैला उठा लिया है। कौन सी चॉकलेट लोगे? लिंट नाम अशर का होगा, खानी मैंने है। भाई स्विट्जरलैंड आओ और स्विस चॉकलेट्स ना खाओ ऐसा हो नहीं सकता। तो ये ले रहा है तो बात अलग है, बट मुझे भी लेनी है। और अशर को फिर प्रॉपर स्विट्जरलैंड भी तो ऐसे ही दिखेगा। कौन सी बता? सारी मिल्च हेजलनट्स। ये बंदा एक एक दो दो चॉकलेट डाल रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। अब ये करेगा तो अभी ना अशर रो रहा था, इन सब ने मिलके जो अशर को चेयर अप किया ना, वो खुश हो गया और हंसने लगा। वेरी नाइस पीपल। पूरे ट्रिप पे अब खुश हो क्या ऐसा है? ताइवान ताइवान ताइवान। Hey guys, good morning from Engelberg, Switzerland. बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह कैंपेंस्की पैलेस में हम रुके हुए हैं और बहुत ही गॉर्जियस सा व्यू है। पर सबसे बढ़िया चीज क्या है, आज अशर 6 मंथ्स का हो गया, इट्स हिज हाफ बर्थडे। बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। सुबह सुबह अशर को वॉक के लिए लेके गए थे, यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल सा पार्क है। फ्लैशबैक। प्रेरणा जी, अशर कौन सा झूला झूलने वाला है? अशर अभी तो वो झूला झूलने वाली फेज में ही नहीं है, पर जब हम सुबह उठते हैं और अशर हमारे साथ एंजॉय कर रहा होता है तब यूजुअली वो मेरी गोदी में होता है और हम झूलों पे होते हैं, पर अभी तो वो सो रहा है बढ़िया। और वैसे बारिश तो हो नहीं रही, मैंने खाता क्यों खोल रखा है, बंद करो भाई। एंड अ फ्लैशबैक। तो भाई इतना अच्छा सुहाना मौसम था, अशर तो भाई घूमते घूमते सो गया, अभी मैं भी घूम रही हूँ। बट अभी अशर को सोने देते हैं, रेडी करते हैं एक और बार और फिर लेके चलते हैं उसको ब्रेकफास्ट के लिए। आज उसको खिलाएंगे केक, उसका बर्थडे केक, हाफ मंथ है भाई, और उसको चेयर पे बिठाएंगे और दिखाती हूँ अशर और उसके पापा क्या कर रहे हैं। ओ ये देखो अशर और पापा ये वॉक करके आए हैं, अभी तक वॉक के मूड में ही है। ओ माय लिटिल बेबी, अब लिटिल बॉय बन गया है। पता ही नहीं लग रहा कैसे 6 मंथ्स हो गए, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ, सिक्स मंथ, अशर ने क्या क्या किया, हमने अशर के साथ क्या क्या किया। हाय शोर आए, हाय कच कच कच
तो गाइस अशर सो चुका है और हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। ये सबसे अच्छी बात है कि अशर इस टाइम अगर सो जाए ना तो हम ब्रेकफास्ट कर पाते हैं, अदरवाइज एक बच्चे को संभाल रहा होता है और एक ब्रेकफास्ट कर रहा है। आज हम साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। अशर ने हमें ना ये सौभाग्य दिया है कि अपने बर्थडे पे, हाफ बर्थडे पे हम दोनों मम्मी पापा ब्रेकफास्ट साथ में कर सके। तू देख ली, तू पहुंच ब्रेकफास्ट तक, उसके बाद देख लियो अपने आप उठ जाएगा। अशर का हाफ मंथ बर्थडे आज हम यहाँ सेलिब्रेट करेंगे। मुझे लगा था अब तक ये सो गया होगा। इसको मैनुअल रॉक करना पड़ रहा है, इतनी बड़ी बड़ी आंखें खोल के बैठा हुआ है। भाई ये बहुत ही क्यूरियस ट्रैवलर बेबी है, मैं बता रही हूँ। इधर उधर देखता रहेगा, इसको सच में इतना फोमो होता है कि कहीं कुछ मिस ना हो जाए। देख कैसे देख रहा है, गी 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 गी। ते को पता है हर्ष, अभी मैंने इसको हे बोला, इसने हे रिवर्ट किया था। सच्ची सच्ची इसने बोला बैठेगा ना, मैं तेरे को आज केक खिलाऊंगा। केक बिग बॉय अशर, बिग बॉय की पैंट नीचे हो गई है। ओ वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छी भी लग रही है, स्माइल कर रहा है। क्या खाएगा अपने बर्थडे पे, क्या खाएगा बेटा? पापा की वॉच खाएगा। इसको वॉच बहुत पसंद है हर्ष की, इसी के लिए तो ली थी मैंने। ले तू पहन ले, ये ले तेरा बर्थडे। और अब अशर की मील रेडी होने वाली है। आज ही खाएगा पाइन एप्पल, समथिंग स्पेशल फॉर हिम। बड़ी मेहनत करवाता है यहाँ पर ये आराम से बैठा हुआ है यार, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा। तो बोलते ही कुछ हो जाता है। अभी कह रही थी सो रहा है। अशर ने कहा मेरा बर्थडे है, मैं ही सोता रहूंगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। भाई अशर को ना एक्चुअल में फोमो होता है कि कहीं कुछ मिस आउट ना कर जाए, और देखता रहेगा कि मम्मी पापा क्या कर रहे हैं। बड़ा ही स्मार्ट है एक्चुअली। इसका प्रिपेयर हो गया, रेडी हो गई है। मील तो है नहीं कुछ, ये बस एक एंजॉयमेंट वाली चीज है। ये ले अशर। अच्छा पापा खिलाएंगे। अच्छा ओके, इतना गंदा रिएक्शन यार अशर, इतना गंदा रिएक्शन। अशर को पाइनएप्पल नहीं अच्छा लगा। ये मुझे क्या खिलाते रहते हैं, इसकी रिएक्शन, इसका रिएक्शन देख के मजा आता है यार। मजा आया, कह रहे मेरे को केक कट करना है पापा। यम यम यम, I like them, wow. ये तो बहुत टेस्टी है, बस मेरी गंदी रिएक्शन पे मत चल। यार एक्चुअल में ना कल की बात लगती है, अशर अभी पैदा हुआ था, अभी इसका हाफ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 6 months का हो गया, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, इतना सा था हम घर लेके आए थे। ओह गॉड, टाइम फ्लाइज एक्चुअली, मेरा छोटा वर्जन लग रहा है। अब हम आराम से कर रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट, और अशर आराम से खेल रहा है अपनी लेग ऊपर करके, हमेशा इसके ऊपर रखता है। अभी तूने देखा क्या, इसने जरा सा वो पाइनएप्पल भी नहीं खाया, मतलब इसमें से निकलता है ना जूस, वो खाया, उसके बाद एकदम से आराम से लेटा हुआ है। कह रहे बहुत हो गया चेयर का। वैसे चेयर डन हो गई, अब ये चेयर आने वाली है इसके लिए। इसका केक तो काटते हैं, हाफ मंथ केक मंगवा तो सही पहले। ओके, जनरली सेइंग बहुत अलग फेज है जिंदगी का, ऐसा सोचा नहीं था कि कभी होगा, हम एक्सपीरियंस करेंगे। ये देखो मस्ती से घूम रहे, बट अभी 2 से 3 होके ऐसे ट्रैवल करने में, मस्ती करने में बहुत मजा आ रहा है। बहुत ही होलसम है ये जगह भी, बहुत होलसम है। अशर की जगह मैं, वैसे अशर ने काट दिया पता है अपने हाथ से। ये ले प्रेरणा, हैप्पी बर्थडे माय बिग बॉय अशर। देखो सॉक्स उतार दी भाई साहब ने, अब ये सारे अतरंगी काम करने लग गया है। पापा मैं बड़ा हो रहा हूँ, मैं 6 months का हो गया हूँ। सच में 6 months का हो गया है। तेरे को पता है मेरे को था कि ये चेयर पे ना नहीं बैठेगा, हमने अभी तक चेयर ट्राई नहीं करी थी। फर्स्ट टाइम बैठा, फर्स्ट टाइम हमने चेयर पे बिठाया और बिना सपोर्ट बिना किसी चीज के बैठ गया। गुड अशर, करने लग गया कुछ कुछ चीजें है ना, एक एक हफ्ते में एक एक दिन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इसके अंदर। चल देखते हैं स्विस ट्रेन की सीनरी एंजॉय करेगा नहीं करेगा। तो अभी हम चेकआउट करके ट्रेन स्टेशन जा रहे थे, और हुआ क्या, चेकआउट के टाइम अशर की बॉटल, दूध की बॉटल रह गई रूम में। तो हर्ष गया है अभी फिर से बॉटल लेने, भाग के गया है और पता नहीं कब तक आएगा। वो हमारा होटल है और अभी हर्ष का कोई अता पता नहीं। तो जब तक हर्ष नहीं आता मैं आपको दिखाती हूँ ट्रेन स्टेशन। यहाँ पे एक बहुत पुराना सा इंजन खड़ा हुआ है वहाँ पे, येलो कलर का, चलो लेके चलती हूँ। ये देखो ट्रेन, अभी हमारी सुंदर सी वो रेड ट्रेन आने वाली है पीछे, और अभी तो टिकट्स भी निकालनी है, तो हर्ष का ही वेट हो रहा है। 15-20 मिनट बचे हैं, पता नहीं कहाँ रह गए। और फाइनली मुझे हर्ष वहां से आता हुआ नजर आ रहा है, कितना ड्रीमी सा टाउन है यार, देख रहे हो। एंड ये देखो मिली बॉटल, मिल गई
भाई स्विस ट्रेन्स अपने टाइम की बहुत पाबंद होती हैं। हमारे पास बस 3 मिनट है प्रेरणा। चलो फिर अंदर एंट्री करवाते हैं अशर को। एंड ये खुली आपकी ग्रैंड एंट्री के लिए कारपेट खुला पूरा। आइए अशर के पापा। थैंक्स। अपनी सीट दिखाते हैं अशर को। भाई इतना स्पेस है ना, लेट लेट के जाओ हैं। सही में यार क्यों जा रहे हैं वापस यार, बिल्कुल मन नहीं कर रहा। ये स्विस टाउन, ये एंगलबर्ग की वादियाँ, खुला मौसम, आसमान, इतने प्यारे प्यारे ये शैलेट्स जो एक घर बने हुए हैं, मैं बहुत मिस करूंगा। अशर को और पापा को नहीं जाना। अशर हमें जाना तो पड़ेगा, क्या करें यार। और ट्रेन चल पड़ी। टाइम देख 11:02 पूरे, एक सेकंड भी लेट नहीं। अब तू ना यहाँ बैठ के पापा और अशर की वीडियोस बना। ठीक है मैं बना रही हूँ, बहुत प्यारी आ रही है। अशर वो कैसे देख रहा है, ब्यूटीफुल स्विस माउंटेन। अशर अरे बस कर भाई, क्या लग रही है ट्रेन चलती हुई। बाय बाय। हम बैठे हैं फर्स्ट डब्बे में जो है फर्स्ट क्लास, और हमें ट्रेन की टिकट पड़ी है कोई अराउंड 152 CHF, जो की 18,000-17,000 के अराउंड होते हैं, 15,000 से भी कम। अशर आ गया अपनी ट्रेन राइड पे। भाई अशर तो यहाँ पे लोट लोट के खेल रहा है, बहुत मजा आ रहा है इसको। कह रहे मेरी पहली राइड है। कैमरा दो मुझे, मैं व्लॉगिंग करूंगा। मुझे कैमरा दो, मैं व्लॉगिंग करूंगा। अशर तुझे कैसी लगी स्विस ट्रेन, सच सच बताइयो। मैं इसी के अंदर रहना चाहता हूँ, बहुत मजा आ रहा है मुझे। यार पता है स्विट्जरलैंड आके ना सिर्फ एक ही गाना याद आता है। मत बोल कॉपीराइट आ जाएगा। अगर आपको पता है और आपको बनना है टॉप सब्सक्राइबर ऑफ नेक्स्ट वीक, तो आपको बस ये बताना कि कौन सा गाना याद आता है स्विट्जरलैंड आके। कमेंट नाउ। देख अशर बाहर काउज है, काउज स्विट्जरलैंड की काउज देख ले, स्विट्जरलैंड के सब वुडन वाले हट्स देख ले, कितने सुंदर है। वैसे इसके बहाने सब कुछ मैं देख रही हूँ। गुड न्यूज गाइस, अशर सो चुका है, अभी वो नैप लेगा अपनी 1-1.5 घंटे की आराम से, एंड फिर उठ के उसका प्ले टाइम होगा। तब तक हम एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और हम जाने वाले कतर एयर में। आज तो आपको दिखाएंगे कि कतर एयर कैसा है। बट बाय द वे मैं सीरियसली कह रही हूँ, आई कैन नेवर हैव इनफ ऑफ स्विट्जरलैंड। हमारा थर्ड ट्रिप है यहाँ पे, बट मैं दोबारा आने वाली हूँ फॉर श्योर। वैसे मैं सोच रहा हूँ आज का इसका बर्थडे वाला दिन कितना बड़ा होने वाला है, पता नहीं यार, लेट्स सी। ट्रेन लेगा, उसके बाद ये फ्लाइट लेगा, फिर पहुंच घर पहुंचाएगा। ट्रेन चेंज, ज्यूरिख के लिए पकड़ने जा रहे हैं एक और ट्रेन, चलो देखते हैं। भाई ये रेस की क्लास, फर्स्ट क्लास, चलो भाई घुसे। और सोते सोते राजा जी की एंट्री हो रही है, यहाँ पे कोई नहीं है, पूरी बुक करा लिया हमने इसके लिए। और देखते ही देखते साहब जी उठ चुके हैं। गुड मॉर्निंग, सेकंड टाइम गुड मॉर्निंग। हंस रहे टाइम है, कुछ लेके आऊं तेरे लिए? हाँ यार प्लीज, कुछ भी ले आ खाने के लिए। अशर देखो पहले पापा मम्मा के लिए कॉफी लेने गए हैं। मैंने मना करा मत लेने जाओ, ट्रेन छूट जाएगी, पापा ने सुना ही नहीं। पापा को जो कहो ना उसका उल्टा करते हैं। अच्छा है मुझे कॉफी पीनी थी, पर ट्रेन का टाइम होने वाला है, सुनते ही नहीं पापा। क्या पता है आने वाले टाइम से। 12:07 हो गए, 12:09 की ट्रेन है, हर्ष अभी तक नहीं आया। ओ आ गया अभी यार, मैं अभी रिकॉर्ड कर रही थी कि गई। तूने कहा था ना पिज्जा खाने, तूने ये ले भाई पिज्जा और कॉफी। पागल है, मैं मना कर रही थी ना हर्ष। अशर ने तेरा फोन फून सब फेंक दिया यार। अशर तो बहुत बहुत परेशान कर रहे हैं, पापा की वेट करता। आजा अशर, ये बंदा इतनी दूर भाग के गया ना, इसने मुझे कहा था अशर पिज्जा खा सकता है, तो मैं अशर के लिए पिज्जा लेने गया। प्रेरणा के लिए ना, अशर के लिए आया हूं मैं पिज्जा। भाई रिस्पेक्ट फॉर यू। हर्ष डिस्ट्रैक्ट कर रहा है अशर को ताकि हम पिज्जा खाएं। पिज्जा कहाँ है? यही तो पिज्जा है, एक स्लाइस। ये तो प्रैंक कर रहा था क्या? अबे नहीं, ऐसे स्लाइस ही मिलती है यहाँ पे, बस एक पीस। भाई 8 CHF की स्लाइस है, मतलब अबे मेरे गले से नीचे नहीं जाएगी, 800 रुपए की मेरे से नहीं खाई जाएगी। भाई तू ही खा ले, तेरी कहाँ है? नहीं तेरे लिए बस, मैं चॉकलेट्स खाऊंगा, स्विस चॉकलेट्स। हाँ खा खा, ठूस ले पिज्जा, बहुत टेस्टी, मजा आ गया, बहुत ज्यादा। कह रही थी यार इतना मन कर रहा है, बारिश हो रही है, ठंड हो रही है, पिज्जा खाने को मिल जाए। कॉफी भी है तेरी, कॉफी मत भूलियो। अब रिकॉर्ड करेगी तो नहीं खाऊंगा, इतना बुरा है। तो हर्ष ने सोचा कि पिज्जा प्रेरणा ही क्यों खाए, मैं भी कुछ खाऊंगा। चॉकलेट सारी दे रही है, एक अशर की, एक प्रेरणा की, एक हर्ष की। ठीक है, पर ना अशर खा सकता ना प्रेरणा, तो तीनों हर्ष की। ठीक है तुम्हें खाओ, तुम्हें मुझे। तो मैं खाने वाला हूँ पहली स्विस चॉकलेट, ये इसने स्पेशली ली थी होटल से मांग के। प्लेन में बनाएगा अशर अपना बर्थडे, क्या बात है अशर, 40,000 feet ऊपर इसको सबको हाई कहना है फ्लाइट में। अभी इधर देखता है तब हाई कहता है, इधर देखता है तब हाई कहता है, सबको देख के हाई करता है, सबको देख के स्माइल करता है। हाँ स्माइल करता है। मस्ती मस्ती, आज छुटकारा मिला इतने कपड़ों से, मैं खुश हूँ। सबको देख रहा था चाहते यार, ये एक्चुअल में बिग बॉय हो गया 6 months का। डांस, इट्स माय बर्थडे, आई एम गोना डांस। आशा को मिले हैं 2 टॉय, खेल रहे हैं इसके साथ।
साथ। अशर को मिली है इसमें बेबी किट। कतर की बेबी किट में क्या क्या होता है ये मैं आपको दिखाती हूँ 2 मिनट बाद, क्योंकि मैं अभी देख रही हूँ जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। You are the man till the boy. आज कितना रोए लाइट में, हर से बैठते बोल रहे अगला ट्रिप ना अब तभी होगा जब ये चलने लग जाएगा, बट मैं फिर ये मूवी देखती हूँ, इसको दिखाती हूँ ताकि इसे फिर से मत करे अगले महीने फिर से ट्रिप प्लान। नहीं 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 होगा, नहीं होगा। मुझे पता था वो बहुत स्लीपी है पर हर्ष मेरी बात सुनता नहीं है, वो स्लीपी था इसलिए रोया। तो अशर की किट हो रही है आज बॉक्स। चल पहले मैं बोलता हूँ, बहुत अच्छा जिपर बैग है, वेनिला सेंट, बेबी पाउडर लगा ले, लोशन भी है, ये भी लगा ले, क्या क्या लगाएगा अब ये मत लियो, डायपर है भी पहन ले, और ये कुछ वाइप्स है। यहाँ से मेरे पैर शुरू हो रहे हैं, सीड, ये बेजिनेट, ये तीन स्क्रीन्स लगी हुई है, फाइनली सुना दिया, थैंक यू बोल सकते हैं मुझे। तो अब खाने वाले हैं यहाँ पे पॉपकॉर्न, पोटैटो चिप्स, किटकैट चॉकलेट और पॉपकॉर्न और चिप्स और बहुत कुछ। भाई स्पेशल थैंक्स टू ज्योति कदर एयरवेज, भाई बहुत अच्छी ट्रीटमेंट, बहुत मजे कराए उसने। चले खा ले, हैव अ ब्रेक, हैव अ किटकैट, और कुछ नहीं खाना अभी तो। बेजिनेट हट गया क्योंकि 25 मिनट बचे हैं, फ्लाइट लैंड होने वाली है। मैं मजाक नहीं कर रही बट ऑल इन ऑल बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। अशर सोता रहा, स्टार्टिंग के 10 मिनट छोड़ के पूरी फ्लाइट ने सोया, बहुत मजा आया। ज्योति बहुत अच्छी थी, बहुत हमें इतनी चॉकलेट्स के लिए इतना ध्यान रखा, हमारा तीनों का बहुत देख के करा है। बैग भरा पड़ा है अशर्ष का, तुम्हें पता नहीं इसने बैग में क्या क्या छुपा रखा है, पर सीरियसली ज्योति वाधवा ने बहुत हमारा केयर किया है, थैंक यू सो मच।